आप जुड़ चुके हैं, आप चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवास पर। लक फेवर्स द ब्रेव, और मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन कोई मौका नहीं होगा एक आईपीओ फ्लोट करने का स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहां पर आप पूरी दुनिया में तेजी आते हुए देख रहे हैं, और आप तो एपीआईज भी सप्लाई करते हैं फार्मा को। बताइए, इतनी बढ़िया किस्मत आप लेके आए हैं, हमारे जो दर्शक हैं जो इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे उनको क्या उम्मीदें रखनी चाहिए आपकी कंपनी से? आईपीओ का प्राइस है 338 से 340 रुपए पर शेयर। सर, पिछले 25 साल से हम लोग इस फील्ड के अंदर हैं, हम इसे ग्रो करते आ रहे हैं। एक पोजीशन हमने ली है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर हम वर्ल्ड लीडर्स की पोजीशन के ऊपर पहुंच रहे हैं। हम थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड है फॉर वन ऑफ द केमिकल हेक्सामिथाइल डाइसिलाजेन। हम सेकेंड लार्जेस्ट हैं फॉर द अदर केमिकल्स दैट वी मैन्युफैक्चर सीएमआईसी। हम इंडिया के लार्जेस्ट हैं फॉर ब्रोमाइड्स। दिस सॉर्ट ऑफ अप्रोच हम लोग लेकर के हमेशा आज तक चलते आए हैं, और आगे भी हम इसी अप्रोच से चल रहे हैं। इच्छा है हमारे जो शेयर होल्डर्स होंगे, द इन्वेस्टर्स होंगे, वो उसका बेनिफिट ले पाएंगे। जी अग्रवाल साहब, आप बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर हैं कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स के। ये बताइए, ये जो आपका पैसा एकत्रित होगा लगभग 320 करोड़, उसमें आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे? क्या ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के काम आएगा, क्या ये डेट रिडक्शन के काम आएगा, किस तरीके का फेरबदल आपकी कंपनी में होगा? केमकॉन हमेशा एक डेट फ्री कंपनी, नियरली डेट फ्री कंपनी के तरीके से ऑपरेट करा है हमने। सो ये जो फाइनेंशियल्स आएगा, आईपीओ प्रोसीड्स जो आएगा, ये हमें कोई डेट रिपेमेंट नहीं है, ये प्योरली इनटू द एक्सपांशन ऑफ द प्रोडक्ट्स है। हम अपनी कैपेसिटीज और बढ़ा रहे हैं। हमारा रिएक्टर वॉल्यूम प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो करीब 350 KL है, इसको 625 KL पे ले जाएंगे, विच विल बी अबाउट 60% इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटीज। मेजर इन्वेस्टमेंट्स हम लोग कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हमारा उसमें होगा, और या फिर एक्सपांडेड वॉल्यूम्स के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिएगा उसमें होगा। अल्टीमेटली इट इज नॉट फॉर डेट रिपेमेंट, या देयर इज नो अदर पर्पस, इट इज प्योरली फॉर द बिजनेस ग्रोथ ओनली। चलिए, तो ये ग्रोथ में पैसा इस्तेमाल होगा। 320 करोड़ का आईपीओ आपके सामने फिलहाल आता हुआ 338-340 रुपए पर शेयर पर। अग्रवाल साहब, आपसे लास्ट सवाल ये है, जिस हिसाब से आप तेजी देख रहे हैं फार्मास्यूटिकल एपीआई के प्राइसेस में, ये बताइए ये तेजी आपने जनवरी से अब तक क्या प्राइस पॉइंट बढ़ते हुए देखे हैं, और क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये तेजी फिलहाल इन इंटरमीडिएट्स में आपको बरकरार दिखेगी अगले 1 या 2 साल? सर, ये तेजी जो है प्रिंसिपली ये डाइवर्ट हो रहा है चाइनीज प्रोडक्शंस टू इंडिया। ये चेंज ऑफ प्रोडक्शंस है, ग्लोबल ट्रेंड ये चेंज हो रहा है, पीपल आर मूविंग टू इंडिया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडिया, ट्रस्टेबिलिटी ऑफ इंडियंस ये बढ़ रही है ग्लोबली, तो उसको देखते हुए आने वाले टाइम में ये स्टेबिलिटी रहेगी और अच्छा ग्रोथ उम्मीद किया जा सकता है इस फील्ड के अंदर। अग्रवाल साहब, आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। सर, आपके एग्जैक्टली जो ओवरसीज रेवेन्यू है, मैंने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज है, वो टोटल रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं अप्रोक्सीमेटली? सर, करीब करीब 35%, 1/3 हमारा एक्सपोर्ट से आ रहा है, 2/3 हमारा डोमेस्टिक से। ओके, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और इस आईपीओ को लेकर और कंपनी की प्रोफाइल को लेकर और योजनाओं को लेकर इस रकम का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस आईपीओ।